पैरासिटामोल एक ऐसी दवाई जिसके बारे में हम सब ने कभी ना कभी तो सुना ही है, लेकिन इस पैरासिटामोल टैबलेट का यूज क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है और दूसरे कौन कौन से पैरासिटामोल के फॉर्मुलेशंस मार्केट में प्रेजेंट है, तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। सो है वेलकम व्यूअर्स, दिस इज ऋषिकेश कुराडे एंड यू आर वॉचिंग फार्मा बॉय यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पैरासिटामोल हर जगह अवेलेबल होने का एक पहला रीजन तो ये है कि ये जो दवाई है वो ओटीसी टाइप की दवाई है, इसका मतलब ओवर द काउंटर मेडिसिन, मतलब ये दवाई लेने के लिए आपको डॉक्टर की पर्ची की जरूरत नहीं पड़ती और उस पर्ची को कहा जाता है प्रिस्क्रिप्शन। तो जिस भी दवा लेने के लिए आपको इस प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है तो ऐसी दवाई को कहा जाता है ओटीसी मेडिसिन। तो इसी ओटीसी मेडिसिन के अंदर ये पैरासिटामोल दवाई आती है, जिसकी वजह से हमें ये बहुत ही कॉमनली हर किसी घर में ये पैरासिटामोल जो दवाई है वो देखने को मिलती है। तो इस पैरासिटामोल को एसिटोमिनोफेन भी कहा जाता है और इसके बहुत सारे यूजेस है जिसके बारे में हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। तो पैरासिटामोल दवाई का यूज एज अ एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक के तौर पर यूज किया जाता है। अब मैं आपको ये दो टर्मिनोलॉजी समझाता हूँ कि एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक का मतलब क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एनाल्जेसिक मेडिसिन का मतलब क्या है। तो ऐसी दवाइयां जो आपके दर्द को कम करने के लिए दी जाती है तो ऐसी दवाइयों को कहा जाता है एनाल्जेसिक मेडिसिन। एंड एंटीपायरेटिक दवाइयों का मतलब है कि ऐसी दवाइयां जो बुखार को कम करने के लिए दी जाती है। तो यही पैरासिटामोल का यूज है, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक, मतलब पैरासिटामोल ये जो दवाई है वो किसी भी दर्द को कम करने के लिए और बुखार को कम करने के लिए दी जाती है। और अगर हम इसके फॉर्मुलेशंस की बात करें तो मार्केट में बहुत सारे दूसरे पैरासिटामोल के फॉर्मुलेशंस भी प्रेजेंट है, जैसे कि पैरासिटामोल की टैबलेट, पैरासिटामोल की कैप्सूल, देन लिक्विड जो सॉल्यूशन होता है पैरासिटामोल का जो कि आईवी इंजेक्शन के थ्रू भी दिया जाता है, देन ओरल सस्पेंशन के थ्रू भी पैरासिटामोल दिया जा सकता है। तो ये बात हुई कुछ फॉर्मुलेशंस की, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हम किस तरह से पैरासिटामोल का यूज कर सकते हैं। देन सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि पैरासिटामोल के साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। वैसे तो पैरासिटामोल के काफी कम साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन इसका अगर हम ओवरडोज लेते हैं तो इसकी वजह से लीवर एंड किडनी को डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो आपको किसी भी दवा को लेने से पहले उसका प्रॉपर डोज क्या है, मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ ओटीसी मेडिसिन के बारे में, मतलब ओटीसी मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो उसका आपको कभी भी रिकमेंडेड डोज से ज्यादा डोज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आपको जो है वो किसी दूसरी बीमारी को फेस करना पड़ सकता है, आपके लीवर को किडनी को इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो पैरासिटामोल के हाइयर डोसेस की वजह से भी किडनी एंड लीवर को डैमेज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट पैरासिटामोल। तो आई होप आपको पैरासिटामोल से रिलेटेड थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिली होगी। तो बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे एक से एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।